अच्छा मेरे साथियों, संगीत समाज को मेरे और मेरे पूरे पार्टी की ओर से सत सत नमन। तत्पश्चात उजाला फिल्म की प्रस्तुति निर्माता उमेश गाजीपुरिया जी, निर्देशक रामा शंकर तूफान बड़े भाई साहब हैं, संयोजक मुन्ना भैया, रिकॉर्डिंग रिझान स्टूडियो बक्सर बिहार सोनू मिश्रा जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। विशेष सहयोग अजय जी, सुनील यादव, कन्हैया ड्राइवर भैया, बूटी मिष्ठान भंडार दुबिया बाजार, साथी श्री गिरधारी कवि जी हमारे परम सम्मानित आदमी हैं, और सौरभ भैया, उदय राम, बबलू यादव बक्सर बिहार से, बहादुर यादव, कैमरामैन हमारे बड़े भाई अरुण कुमार जी नुआव बक्सर बिहार, आप सभी को मेरा सत सत प्रणाम है। साथियों, सबसे पहले ये 2018 का नई शुरुआत हुई है, सामने संक्रांति का परम त्योहार हमारे हिंदू धर्म का। मैं इस पावन पवित्र त्योहार पर आप सभी की ओर से पूरे हिंदुस्तान वासियों को मैं बधाई देता हूँ, और हमारे सभी भाइयों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पहली बार आप लोगों से मुलाकात हुई है, गलती जो भी हो जाए क्षमा कीजिएगा आप लोग। तथा हमारे गुरुजी गोरखनाथ जी छपिया चौराहा भेड़ापार देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, तत्पश्चात हमारे दूसरे गुरुजी ओम प्रकाश जी महाइज पार जिला देवरिया उत्तर प्रदेश। मैं जो बिरहा गाने जा रहा हूं साथियों, उस बिरहा के लेखक हैं गर्जन जी, जो उषा इंटरनेशनल लिमिटेड में कार्यरत हैं हैदराबाद में। मैं हैदराबाद के सभी मित्रों को इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रणाम करता हूं। आवा साहब तनी बजा के। कि गुरु गुर है चेला चीनी बना है, भक्ति के सपना को साकार करके जिया जिंदगी भक्त गुरु में लगा के, गीत गाता जहाँ जो जिया जग में मर के, अनावृष्टि से जन जीवन तड़पता, ऋषि धाम में बारिश कराए यज्ञ करके, ऋषि और ऋषि की गरिमा बढ़ाया, उदालक बनाया रूढ़ी मेढ़ बन के, सम्मानित बंधुओं भक्त जनों के लिए मैं एक नसीहत पेश करने जा रहा हूँ। भक्ति क्या चीज है, भक्ति कैसी करनी चाहिए। बिरहा तो बड़ा लोग गावत न भाई स्टार हो गए, लेकिन नचवैयन का ठिकाना नहीं खे। एक ठे कहावत कहल जाले उस्ताद जी, छपरा जिला में जब लड़का पैदा होलन तो उनकर माई बाबू झूला में घूघूर घाटी दलन, कि हमार बेटा जब जवान हो तो नाच के पांच परिवार के जिया ले। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश बक्सर बिहार गाजीपुर बलिया में जब लड़का पैदा होलन तो महतारी बाप लंगोटा जांगे सिया के झूला में डाले लन, कि हमार बेटा जब जवान हो तो जंगे मैदान में लड़ी, आई गौरी भैया का ही अड़वन की नियर मोस छिलवा के यार तू बिरहा गावत। अरे रमान के संगे बिरहा गावे को तो मोछ राख के आवा, का ही मेहरारून के नियर मोस छिलवा के हिजड़ा के नियर चिकन चाकन बन के जब नाचत हो यार। एक लाइन गजल हो मास्टर साहब, उहे गजल का लाइन बा, अरे सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने,
जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, मुहब्बत है गैर से मुहब्बत है, दर्द का बहाना है, लेकिन गाने के अंदर भाव दिया गया कहना है कवि का कि ऋषि धाम में कहे शिष्य से, ऋषि धाम में कहे शिष्य से, यज्ञ को कराना है, यज्ञ को कराना है, सकल रक्षा जीव है तू हो, सकल रक्षा जीव है तू हो, पानी बरसाना है, सकल रक्षा जीव है तू हो, पानी बरसाना है, यह वैसे गाना का शुरुआत हो गई कवि जी नजम कलाइन में कहल गई वे लाइन बाम ला 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 स्वाति नक्षत्र की शुरुआत थी कहना है स्वाति नक्षत्र हवन मंडप आज बनाना होगा कोई कसर न रहे ऐसा सजाना होगा मंत्र के द्वारा वरुण देव को मनाएंगे परंजय यज्ञ से धुआं बदल बनाएंगे कहेंगे देव तुमको पानी बरसाना होगा तड़पते जीव आज तुमको बचाना होगा कहानी उस समय के मित्रों जब हमारे देश में इस हिंदुस्तान की सरजमी पर अकाल पड़ गया था पानी नाम का कोई चीज ही नहीं पशु पंछी लोग फल फुलवारी बगीचा सभी दुखने लगे पेड़ पौधा सूखने लगे गाय भैंस कहीं मरने लगे चिड़िया पंछी कहीं मरने लगे नदियां तालाब सूख गए लोगों के मन में विचार आया कि भाई जब जब आपत्ति विपत्ति आती है हम भगवान को याद करते हैं भगवान हमारी सुना करते हैं एक गांव था गांव के बगल में कुटिया थी उस कुटिया में एक साधु महाराज जी रहते थे उनका नाम था धौम्य ऋषि उनके पिताजी का नाम था धूम्र ऋषि साधु जी के पास गांव वाले इकट्ठा होकर पहुंचे जाकर के प्रणाम किए साधु जी बोले कि बताइए आप लोग किस कार्य के लिए हमारे यहाँ आए हैं गांव के लोगों ने कहा महाराज जी ऐसी विपत्ति कभी नहीं आई थी जो पानी ही नहीं धरा पर क्या बचेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा आप कुछ उपाय कीजिए साधु महाराज कहलन कि ठीक बा हम उपाय करब एक थे आप लोग काम कीजिए कि जो भी पूजा का सामान होता है फल फूल हवन का व्यवस्था कीजिए मंडप बनवाइए सारा व्यवस्था लोगों ने तत्काल किए जब मंडप बन गया फल फूल आ गया उस समय का बात है विदेशिया में कहना वो मास्टर साहब
कि पावन सुहावन हवन मंडप सजाई गईले कि बजी गईले चहुरा खुशी के बजनवा लोग बटुराई गईले गुरुजी आचार्य आईले कि वैदिक मंत्र गूंजे लागल सगर गगनवा कुंड से लहरा अरे गईली आकाश बीचे बनल सुबासा धूम्र बादल गहनावा ऋषवर मुनि पूजा का सामान मंगवा करके साथियों आज ऐसा ही हवन किए हवन का शुरुआत किए लोगों ने भीड़ लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही हवन कुंड से धुआं निकला आकाश मार्ग में पहुंचा चारों दिशाओं से जो है काली बादल चल देती है अपना करिश्मा दिखाते हुए। आज अब चल देती है उस समय का भाव है गीत लगल मास्टर साहब हाय 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 कवि जी गीत हुए भाई गीत के सावन के महीना में माता बहन गावेला लोग देख ये गौरी भैया गीत गावे के तनी सीख ल मनी के भाई शुरुआत देरी से कर जाए लेकिन पुरनका चीज है कहल जला कि नया नौ दिन पुरनका सौ दिन मेहरारू के संगे गावत गावत मजा लेत जत कहल मन बउरा गई बा अरे मर्दन के संगे आवा जा वे गीत बा मास्टर साहब कि सखी सावन सुहालन जवान बिना सखी सावन सुहालन जवान बिना अदरक पानी बिना ना लेकिन वहां के लोगन का क्या हाल बा कितना खुश बा लोग वहां का खूब खुशिया मनावे नर नारिया घेरली बदारिया ना जागल भी सवात मन में जागल भी सवात सब झूम झूम गावे जय जयकारिया घेरली बदरिया ना सभी लोग जब देखे कि भाई काली बादल जो है चारों दिशाओं से चल दी सभी लोगों के मन में उत्साह पैदा हो गया अपार खुशी पैदा हुई सब लोग सोच गए कि हे कमवा हमन के कुछ दिन पहले कद लेती जा भगवान जल्दी हमन के सुन लेतन खैर देरी भइल कोनो बात ना अबो से बचाव हो जाओ सभी लोग खुश हैं जय जयकार कर रहे हैं खुशी का ठिकाना नहीं कहीं पेड़ पौधे झूम रहे हैं कहीं माल मवेशी पशु पंछी झूम रहे हैं कई मोर मोरनी नाच रहे हैं विजय चारों तरफ करतल भूम गूंज रही है विजय उत्सव मनाया जा रहा है। उस समय का भाव है एक लाइन गीत लगल कवि जी वे गीत का लाइन बाब मैं प्यार करूं भरता
अरे तार मंगवा दे रे चोली रे लेकिन गाने के अंदर भाव दिया गया है, कहना है कभी काम धन बादल करे चिगार, वो चिगार पानी की बूंदे टपक रही घन बादल नीला का सहुआ कजरारा मंडप छोड़ी भागे जग सारा नीला का सहुआ कजरारा मंडप छोड़ी भागे जग सारा जब जल बरसे जोरदार जोरदार पानी की बूंदे टपक रही जब जल पूजा सफल हुआ, बारिश चारों तरफ से होने लगा, लोगों ने जय जयकार करना शुरू कर दिए। उस समय तेरी के बात लगल कभी जी भैल का केरे पानी के बिना रोती जिंदगी ए बाबू पानी के बिना रोती जिंदगी तो पानी बचा लो बेटा पानी है बरदानी। जब पानी बरसा गुरुवर जी अपने सारे भक्तों को बुलाए, बुलाकर कहने लगे कि एक काम करो, अब तक आप लोगों ने हम लोगों ने सभी लोगों ने पानी के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए सब कुछ सूख रहा था, सब लोग कहीं मर रहे थे कहीं पानी बिना तरस रहे थे, पेड़ पौधे सूख रहे थे, पानी के लिए सब कुछ खत्म होने जा रहा था। भगवान ने हमारी सुन लिए, पानी हमको दे दिए, अब इस पानी को बचाना हमारा पहला कर्तव्य होता है। इतनी बात जब कहे तो वो समय उनका एगो छोट भक्त रहल गुरुवर जी का, जिसका नाम आरुणी बताया गया। ओके बुलावलन, कहला कि बेटा इधर आओ, कहला कि गुरु जी बोली का आदेश बा, कहला बेटा एक काम करो, तुम मेहनती लगते हो, हमने तो कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, बड़े लोगों को ध्यान देता था, आज हमें भी लगा कि तुम मेहनत करोगे कुछ करोगे, तो एक काम हमारा कर दो। कहलन का कहलन एक लाइन गीत लगल कभी जी, तू है गीत बाम कि अरे हाथ में मेहदी मांगे सिंदूरवा, हाथ में मेहदी मांगे सिंदूर बर्बाद कजरवा हो गईल हो बर्बाद कजरवा। हाथ में मेहदी मांग सिंदूरवा, अरे बर्बाद कजरवा हो गई ले, अरे बार बलम परद सवा में छाए, बार बलम परद सवा में छाए करवट में सबेरवा हो गई ले, करवट में सबेरवा। Oh, my God.
जी अपने भक्त को बुलाकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अरे शिष्य से बोले है गुरुवर जी, शिष्य से बोले है गुरुवर जी कि जाके बचावा पनिया के, अरे जाके बचावा पनिया के। पानी तो होता सबका जीवन, पानी बिना कुछ भी नहीं, अरे पानी बिना प्रसून सुखाई, पानी बिना प्रसून सुखाई मेरा बचावा बगिया के हो। अरे कहलन की बेटा चले जाओ हमारे बगीचे में और देखना बगीचे का पानी कहीं बह न जाए, उसके लिए कुछ भी करना होगा करेंगे। कहलत गुरु जी जिंदगी में पहली बार आपका आदेश भइल कुछ करे के, हम जरूर करब, जान की बाजी भी लगा कर करेंगे इस काम को। कहलत की धन्य हो तुम और धन्य है तेरी भक्ति, हौसला बुलंद है तुम्हारी। ठीक है तुम जाओ, मैं एक काम दिया हूँ उस काम करो। भक्त चला उस समय उसका हौसला बुलंद था, एकदम सीना फैलावत चला ले कवि जी, यहाँ गीत लगल निबिया की डारी मैया। वे गीत बाम लेकिन गीत से बढ़िया भाव बाम कि पाई के आदेश चलल, पाई के आदेश चलल, अरे भक्ति में शरीरिया अरुणी चलियो भैले नाम कि अरुणी चलियो भैले नाम ओ बगिया की ओरिया। चौर घूमे फेरे अरे अपनी नजरिया अरुणी चलियो भैले ना, अरुणी चलियो भैले ना कवल तरल कवर मेरिया, अरुणी चलियो भैले ना। अरुणी पहुंचा बागीचे में, चारों तरफ नजर घुमा कर देख रहा है, तब तक उत्तर और पूरब के कोन में जो है मेढ़ी को पानी तूर दिया। बहुत प्रयास किया लेकिन पानी नहीं मान रहा है, मेढ़ी को तूर दिया। सोचा क्या कहना है, हाथों हाथ से माटी डाले पानी लेकर जाला खा ले, हाथों हाथ से हाथावा से माटी डाले पानी लेके डाला खा ले, हाथावा बना तो बना गैली, बना तो बना थकली, अरे अरुणी लेती हो गई लेना कल मेरी के गगरिया, अरुणी लेती हो गई लेना।
अरुण देखा कि पानी नहीं मानेगा और पानी हमको बचाना है, गुरु जी का आदेश है। अरुण क्या क्या उसका उपाय दिमाग, गजब उसका दिमाग है। भक्ति में क्या कुछ नहीं कर सकता है आदमी अगर लीन हो गया तो। अपने आप को मेढ़ी बनाकर सो गया, सो गया, रात भर बारिश हुआ, उस पानी में उसकी शरीर जो है एकदम ठिठुर गई, ठंड के मारे कुकुर गया, बेहोश पड़ा है। सुबह हुआ, गुरु जी को याद आया कि भाई हमने एक भक्त को भेजा है पानी बचाने के लिए। शाम को ही गया, अभी तक लौटा नहीं, सारे भक्त हैं लेकिन वो नहीं दिख रहा है। किस हालत में होगा, आखिर कुछ हो जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि गुरु जी अपने स्वार्थ में एक भक्त का जान ले लिए। हम कलंकित हो जाएंगे। गुरु जी क्या किए, अपने भक्तों को सारों को बुलाए, बुलाकर कहे एक काम करो कि हमारे साथ चलो बागीचे में और आरुणी को खोजना हमारा काम है, किसी भी हालत में उसको बचाना होगा। तो चल दे हलन गुरु जी, अल्लाह वाली लाइन लगल कभी जी। होता सवेरे गुरु जी बागिया के चली हो भैले, कहीं कहीं आरुणी पुकारे पूरा जोर, जहुआरा पानी ना जारिया घुमावे गुरुजी, गाइली देखाए कर बदाना पाखो, गोदिया उठाइली अले भक्त आरुणी के गुरुजी, मंत्र उचार दिल दैया पर गुरु जी जब पहुंचे बागीचे में, देखे कि हमारा भक्त जो है मेढ़ी पर सो गया है, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, ठिठुर गया है, अवाक हो गए। अरे ये क्या हो गया, भक्त हमारी भक्ति के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दिया। पानी को हाथ में उठाए, मंत्र के द्वारा पानी को परोर कर उसके शरीर पर जैसे ही छींटा मारे, भक्त कनकना कर उठ कर खड़ा हो गया। देखा कि हमारे सामने गुरु जी खड़े हैं, चरण स्पर्श किया, गुरु जी गोद में उठाए, कहे कि धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी भक्ति, मैं तुझे वरदान दूंगा, इस दुनिया में तुम्हें याद किया जाएगा। खड़ी का लाइन था कभी जी, अरे भक्ति का शक्ति तू देखावला अरुणी, आयुग युग में नाम तुहार तो रही अरुणी, भैला उदालक नाम आरुणी तुहार हो, अब भक्ति से अजोर कैला सारा संसार हो, कि भैला उदालक नाम आरुणी तुहार हो, अब भक्ति से अजोर कैला सारा संसार हो। अरे कृषि और ऋषि का शान बहावला अरुणी, आयुग युग में नाम तुहार ही अरुणी,
हरि हे अकाल होई चर्चा तुहार हो अपनी जिंदगानी जब जानी संसार हो। पड़ी है अकाल होई चर्चा तुहार हो अपनी जिंदगानी जब जानी संसार हो। अरे गुरु पद पानी के सजावला अरुड़ी आयुग युग में नाम तुहार ही अरुड़ी। गोद में उठाकर गुरुवर जी भक्त को वरदान दे रहे हैं। कहने लगे भक्त अरुणी मेरी बात ध्यान से सुनो, जब जब इस धरा पर गुरु और शिष्य की चर्चा होगी तुझे याद किया जाएगा, जब जब कृषि और ऋषि की बात होगी तुझे याद किया जाएगा, जब जब गुरु और शिष्य की चर्चा होगी तुझे याद किया जाएगा, जब जब इस धरा पर अकाल पड़ेगा तुझे याद किया जाएगा। तुम्हारी भक्ति अमर है और तेरी भक्ति का कोई जवाब नहीं है, मैं तुझे वरदान देता हूँ हमेशा याद किया जाओगे। आखिरी लाइन में भाव है कभी का कि कुसुम प्राग स्वामी जद्दू गुरुदेव पूज्य हमारे, भोला बाला काशीनाथ के संग अंगा रंग पसारे हो। पानी के बिना रोती जिंदगी, ए बाबू पानी के बिना रोती जिंदगी, यादव रामायण गुरु भक्ति के पत्थानी, पानी के बिना रोती।